हेलो, तो कैसे हो सभी? और आप देख रहे हो प्रोकर गेमिंग। अब जैसा कि यार आप लोगों को पता है, पिछले एपिसोड में हमने जो है फरारी चुराई थी एक बड़े इंडियन सेलिब्रिटी की, जो कि लॉस सैंटोस आए हुए थे और वो जो है मैं सेल करके आ गया था। अब दोस्तों हुआ क्या कि उसके बाद कुछ एपिसोड्स नहीं आए 2-3 दिन, या तो यार मैं आपको बता देता हूँ, वो मेरी गलती थी। थोड़ा बहुत इंटरनेट कनेक्शन की कमी हो रही थी, मतलब थोड़ा बहुत इंटरनेट कनेक्शन स्लो था, तो इसलिए वीडियोस नहीं आ पाई। लेकिन यार आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अभी अभी मुझे जो है इंडिया से फ़ोन आया है। और आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे फ़ोन के अंदर मुझे कहा गया कि यहाँ का जो मिलिट्री बेस है ना लॉस सैंटोस का, यहाँ पे जो है जो पाकिस्तानी JF-17 जो फाइटर जेट्स हैं वो आज जो है रिफ्यूलिंग के लिए आने वाले हैं, और वो जो है डायरेक्टली जाएंगे वहाँ से पाकिस्तान, और पाकिस्तान से जाने के बाद वो इंडिया के ऊपर अटैक करने वाले हैं। तो मुझे जो है टास्क मिला है कि मैं उनको जो है पहले ही तबाह कर दूँ, पहले ही उनको ख़त्म कर दूँ। तो मैं जो है जाने वाला हूँ मिलिट्री बेस और देखते हैं क्या पूरा का पूरा सीन है। और भाई साहब आज किसी से नहीं डरना है, क्योंकि ये जो है अपनी गवर्नमेंट का ऑर्डर है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे जो है मैं फटाफट चलता हूँ मिलिट्री बेस, और मिलिट्री बेस चल के देखते हैं क्या पूरा सीन है, किस तरीके के जो है फाइटर जेट्स हैं और किस तरीके के जो है वहाँ पे हमें जो है तबाही मचानी है। मतलब यार सीन ये है ना कि मैं अपनी बाजूका से वहाँ पे जाऊँगा और उनको ख़त्म करके आ जाऊँगा, लेकिन अभी सीन ये भी आ रहा है निकल करके कि वहाँ पे जो सोल्जर्स होंगे सिक्योरिटी में, वो जो है काफ़ी ख़तरनाक वेपन्स के साथ होते हैं, और यार काफ़ी जो है हड़कंप मच जाएगा और हो सकता है मुझे गोली लग जाए। तो वैसे सिक्योरिटी में मैंने जो है बुलेट प्रूफ वेस्ट वगैरह सारी चीज़ें पहन ली है, लेकिन फिर भी यार दिक्कत की बात तो है ही। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो आज का मिशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होने वाला है। ज़्यादा दूर यहाँ से जो है मिलिट्री बेस था नहीं, मिलिट्री बेस यहीं पे आसपास ही था, तो जैसा कि आप देख सकते हो मैप के अंदर थोड़ा आसपास ही है। अब वहाँ से सीन ये है ना कि मैं जो है सारे जो जेट हैं उनके फोड़ करके मिलिट्री बेस वालों का ये एक फ़ाइटर जेट लेके वहाँ से भाग जाऊँगा। बस मुझे जो है मिलिट्री बेस से बाहर निकलना है, और जो पुलिस है ना वो जो है पीछे ना पड़ जाए। बस यार डरना इसी बात का है कि जो पुलिस है वहाँ पे वो पीछे ना, और इसकी गाड़ी कौन चुरा के भाग रहे हैं भाई साहब? ये यार ये मेरे ख्याल से पिंक वाली गाड़ी है। शिट, इसकी गाड़ी बचाने के चक्कर में भाई साहब मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए। एक सेकंड, इसको फोड़ देता हूँ मैं अच्छे तरीके से। ये ले बेटा, भाई साहब शिट बे यार, इसके चक्कर मेरे ख्याल से इसकी गाड़ी बचाने के चक्कर में मेरी गाड़ी सारी टूट गई है। तो चलो यार अभी इसकी गाड़ी बचाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारा जो टर्न है वो यहाँ पे आ चुका है। तो डायरेक्टली मैं अंदर चलता हूँ, और गाड़ी की हालत काफ़ी ख़राब हो रखी है, तो चलो कोई बात नहीं, वैसे गाड़ी हमें यहीं पे छोड़नी है, क्योंकि इससे जो है भागना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और मिलिट्री बेस में डायरेक्ट ही घुस जाऊँ और क्या भाई, आज जो है डरने की कोई बात नहीं है, मैं डायरेक्ट जो है मिलिट्री बेस के अंदर घुस जाता हूँ और जो होगा देख ही जाएगी भाई साहब। वैसे मैंने बुलेट प्रूफ शील्ड वगैरह तो पहन ही रखी है। ओ भाई साहब, जैसा कि आप देख सकते हो मैं जो है मिलिट्री बेस के अंदर डायरेक्टली जो है घुस चुका हूँ, और भाई साहब सबसे पहले मैंने जो इनके ये यहाँ पे सिक्योरिटी वाले सोल्जर खड़े थे इनको जो है मार दिया। मैं फटाफट जो है गाड़ी से बाहर निकल कर, भाई साहब सामने भी एक खड़ा हुआ है, वो भाई साहब गोली चलाएगा, गोली इसको मैं नहीं दिखाता हुआ भाई साहब। मतलब यार काफ़ी सोते हुए सोल्जर हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं जो है डायरेक्टली चलता हूँ पीछे की तरफ, और ये लो भाई साहब ग्रेनेड लॉन्चर से जो इनकी गाड़ी है ना, ये जो है सबसे पहले मैं फोड़ूंगा, बाकी का काम जो है बाद में ही होगा। सबसे पहले इनकी जो गाड़ियाँ हैं ना ये मैं फोड़ देता हूँ, जिससे ये लोग यहाँ से जो है भागने ना पाए। मतलब इन्हें भागे ना भागे कोई मतलब नहीं, अब ये जो इनका टैंकर है ये तो नहीं फूटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं जो है दोस्तों फटाफट जो है आगे चलता हूँ, दिक्कत की कोई बात यहाँ पे नहीं है। गाई जो है जिस बात का डर था वो बात यहाँ पे हो चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हो 4 स्टार की पुलिस मेरे पीछे पड़ चुकी है। इन सोल्जर्स को पता लग रहा है, और ये भाग क्यों रहे भाई साहब, ये मुझे मार क्यों नहीं रहे? चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छा ये लोग पता नहीं भाग क्यों रहे हैं। वैसे मेरे मुझे ये लगता है ये लोग हैवी वेपन्स लेने जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। मैंने इनका टैंक भी यहाँ पे फोड़ दिया है। सामने की तरफ इनका जो है पूरा का पूरा रनवे वाला एरिया, और मुझे यहाँ से वाइट कलर के जो JF-17 थंडर जो फाइटर जेट है वो मुझे दिख रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो सोल्जर्स भागने में लगे हुए हैं, लेकिन यार शिट ये गोली चला रहे भाई साहब, इनको पता लग गया, ये लोग प्लान कर रहे थे पीछे से घूम के आएंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं जो है फटाफट एक काम करता हूँ, अपनी बाजूका निकालता हूँ, रॉकेट लॉन्चर हाँ ये रहा शिट अबे गन नहीं ये वाली, हाँ ये भाई साहब मैं फटाफट अबे शिट कहाँ पे जा रहे हो? तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं फटाफट जो है ये लो भाई। तो गाइस यहाँ पे मैंने इनके जो फाइटर जेट्स हैं वो तो फोड़ने स्टार्ट कर दिए, और जैसा कि आप देख सकते हो 7-8 फाइटर जेट थे इनके पास। ये ले भाई साहब गाड़ी से मार रहा है उधर से आके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे मैंने इनके जो फाइटर जेट्स हैं वो तो खैर तबाह कर ही दिए हैं,
बाकी दोस्तों यहाँ पे जो ये कहाँ जा रहे हैं, कहाँ भाई साहब, मतलब यार ये बताओ ना, ये लोग भाग रहे हैं, मुझे पता नहीं लग रहा। कुछ लोग तो इनमें से गोली चला रहे हैं, लेकिन कुछ जो है ऐसे ही भाग रहे हैं। मैं इनके जो कार्गो प्लेन्स हैं इनको भी मैंने फोड़ दिया फटाफट। सामने की तरफ एक फाइटर जेट खड़ा हुआ है, ये भी फोड़ देता हूँ। एक मुझे अपने लिए चाहिए तो मैं फटाफट जो है यहाँ से निकल लेता हूँ इस वाले फाइटर जेट से। इनका जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ना, वो ज़रूर मेरे ऊपर अटैक करेगा, लेकिन उससे पहले मुझे फटाफट जो ये प्लेन है ये उड़ा करके मिलिट्री बेस से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर मैं मिलिट्री बेस से बाहर नहीं निकल पाया तो दिक्कत खड़ी हो सकती है। खुल जा। तो गाइस ये जो है यहाँ पे खुल चुका है और डायरेक्टली जो है चलते हैं अंदर। और जा सके आप देख सकते हो भाई साहब, तो भाई फटाफट जो है यहाँ से निकलते हैं। ओ भाई बस बस मैं मिलिट्री बेस से बाहर निकल जाऊँगा। और भाई ये देख सकते हो मिसाइल जो ये लोग पीछे से मार रहे हैं, ये लो भाई। अब जो है मैं थोड़ी सी आगे चल के फाइटर जेट से इजेक्ट हो जाऊंगा जैसे इसका। लो भाई मैं जो है अब इससे एक काम करता हूँ, मैं इजेक्ट हो जाता हूँ क्योंकि ये क्रैश हो सकता है। चलो भाई, ओ बे शिट, पैराशूट क्यों नहीं खुला। ओ भाई शिट, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे भी मैंने यहाँ पे जो है बुलेट प्रूफ चीज़ें पहन रखी थी, तो जो है गिरने से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए गाइस, अब यहाँ पे यार ये पुलिस वाले भी पीछे पड़ गए, इनका तो मैंने देखा ही नहीं है। इनके जो हेलीकॉप्टर्स हैं, सबसे पहले मैं जो है इनको ख़त्म कर देता हूँ यहाँ पे। ये ले बेटा, ये लो। तो भाई साहब फटाफट जो इनके हेलीकॉप्टर्स हैं ना, इनको जो है यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। ओहो भाई ये क्या हो गया यार, इनका हेलीकॉप्टर इधर ही गिर गया। शिट 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 शिट, इससे यहाँ से मेरे ख्याल से निकलने में काफ़ी जो है दिक्कत दोस्तों हो सकती है। हाँ तो ओह शिट शिट, ये वो इतने दूसरा है, मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। इनके और भी हेलीकॉप्टर्स हैं क्या ऊपर की तरफ? भाई साहब मैं काफ़ी ऊपर चला जाता हूँ जिससे जो पुलिस है वो हट जाएगी, ये लोग मुझे ढूंढ ही नहीं पाएंगे, तो जो है दिक्कत की कोई बात यहाँ पे नहीं रहेगी। अब मेरे ख्याल से जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो भाई साहब ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, तो गाय ये ले बेटा। तो गाइस यहाँ पे जो इनका काम था वो तो मैंने खल्लास कर दिया। एक दो हेलीकॉप्टर और रह गया, एक और आ रहा है। चलो भाई बच गया। एक मिनट। चलो गाइस यहाँ पे जो इनके हेलीकॉप्टर थे वो मैंने टेक डाउन कर दिए हैं। तो गाइस जो पुलिस है वो तो जा चुकी है। अब यार करना क्या है, यहाँ से जो है मुझे फटाफट जो है निकलना पड़ेगा शहर के लिए, क्योंकि जो काम है वो मैंने कंप्लीट कर दिया है और ज़्यादातर जो है कोई दिक्कत अब नहीं होने वाली है, क्योंकि गाइस जो हमारा काम था इंडिया से ऑर्डर आया था वो जो है यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दिया है। डायरेक्टली चलते हैं और किसी की गाड़ी जो है लेते, खोजते हैं गाड़ी किसी से और डायरेक्टली जो है चलते हैं लॉस सैंटोस सिटी अपने घर। फिर कोट पैंट पहन के आगे का प्लान मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले तो यार सबसे पहले गाड़ी लेनी पड़ेगी मेरे ख्याल से मुझे किसी की। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, गन लेके पेलूँ क्या? ये ले बेटा, नहीं नहीं मेरे ख्याल से गन अगर मैं किसी गाड़ी के ऊपर चलाऊँगा तो भाई साहब वो वैसे ही नहीं रोकेगा, वो वैसे ही स्पीड तेज कर लेगा। तो देखता हूँ मैं इधर उधर, मुझे कहीं से कोई गाड़ी मिल गई तो ये ले। एक सेकेंड इसके ऊपर गोली चलाता हूँ। ये भाई शिट, ओ भाई शिट, मैंने पुलिस वालों के ऊपर गोली चला दी थी। शिट। तो गन को मैं अंदर रखता हूँ और एक गाड़ी रोकता हूँ इधर थोड़ी देर साइड में खड़ा होकर के, फिर जो है डायरेक्टली चलते हैं सिटी में। तो गाइस काफ़ी देर के बाद यार एक गाड़ी मिल तो गई है, इसका जो ड्राइवर था, निकल भाई बाहर निकल। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है फटाफट, अबे शिट। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, भागता रहे भाई। तो यहाँ पे हम जो है फटाफट निकलते हैं अभी जो है सिटी के लिए। और भाई साहब इतना बड़ा मिशन पूरा किया है यार, मुझे लगता है पुलिस अब मुझे ढूंढेगी, लेकिन उनको मैं उनको पता ही नहीं लगा होगा यार इतनी जल्दी जल्दी में कौन था कौन नहीं था। कोई दिक्कत की बात जो है यहाँ पे नहीं है। तो डायरेक्टली मैं एक काम करता हूँ, मैं जो है गूगल मैप्स पे जो लोकेशन है वो सेट कर लेता हूँ अपने घर की। ज़्यादा दूर नहीं जाना है, थोड़ी दूर है, और वहाँ से जो है डायरेक्टली चलते हैं अपने घर पर। तो ये जो मेरा वाला पूरा का पूरा घर वाला एरिया है ना, यहाँ से जो है मैं डायरेक्टली चलता हूँ और घर पे चलते हैं, कोट पैंट पहनते हैं, नहाते धोते हैं। तो गाइस जो है मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो पूरा का पूरा मैं गाड़ी जो है भगाते भगाते अपना जो घर है वहाँ पे दोस्तों पहुँच चुका हूँ। अब एक मुझे ना एक काम करना है, डायरेक्टली गाड़ी को जो मैं इसको बाहर ही खड़ी कर देता हूँ। एक सेकंड, हाँ ये गाड़ी बाहर ही खड़ी कर देता हूँ। अब डायरेक्टली चलते हैं घर के अंदर और डायरेक्टली जो है कोट पैंट पहनते और चलते हैं पीडीएम यानी प्रीमियम डीलक्स मोटर स्पोर्ट, जहाँ से मैंने अपनी लैम्बोर्गिनी सियान खरीदी थी। क्योंकि यार वो लैम्बोर्गिनी सियान मैंने ठीक होने के लिए दे रखी है, क्योंकि मैंने थोड़ी बहुत वो ठोक भी दी थी और सर्विसिंग वगैरह भी उसकी होनी थी। तो आज देख के आते हैं क्या हालचाल है उसके, बट उससे पहले जो है थोड़े बहुत कोट पैंट पहनने हैं और फिर जो है डायरेक्टली पीडीएम चलते हैं। तो एक सेकंड में जो है कपड़े बदल लेता हूँ फटाफट से और फिर देखते हैं हालचाल क्या है जो है अपनी लैम्बोर्गिनी का। तो ये मेरे ख्याल से भी नहीं, फुल सूट चाहिए और मेरे ख्याल से कौन सा सूट पहनूँ, ये हाँ ये वाला सही रहेगा ना। हाँ तो गाइस यहाँ पे जो हमारा काम है वो तो हो चुका है, अब डायरेक्टली चलते हैं फटाफट से जो है पीडीएम के ऊपर और वहाँ से जो है डायरेक्टली देखते हैं भाई साहब गाड़ी जो है ठीक हुई है
या फिर ठीक अभी तक भी नहीं हुई है। तो कौन सी कार? नहीं नहीं मैं उसी में चलता हूँ, और क्या, जो मैं लाया हूँ वहाँ से। फिर इसको जो है मैं यहीं पे खड़ी कर दूँगा, किसी को पता ही नहीं लगेगा भाई साहब चोरी की गाड़ी है या वैसी गाड़ी है। तो गाइज यहाँ से जो है मैं फटाफट आगे की तरफ निकलता हूँ। और ये अखबार सा, अपने लोगों ने भी अखबार देखा क्या? कुछ न्यूज़पेपर जैसा गिरा। अबे शिट शिट, ये एक और मेरे जैसी गाड़ी है भाई साहब। मतलब मेरी नहीं है ये, किसी और की है, बट यहाँ पे अभी तो मेरी है ना, मैं चला रहा हूँ। और देखो भाई साहब बड़ी कितनी है गाड़ी, मैंने आपको बड़ी दिखाई। तो PDM मेरे ख्याल से यहाँ पे है ना, हाँ यही है जहाँ पे एम्यूनेशन वालों की दुकान है, मतलब हथियार वगैरह मिलते हैं ना, वहीं पे है पूरा का पूरा जो PDM शोरूम है उसके आसपास ही है। तो मतलब लैंडमार्क वही है, वहाँ से पता लग जाता है कि ये PDM। और मेरे घर से ज़्यादा दूर है नहीं, कुछ 1 माइल्स दूर है, यानी 2-2.5 किलोमीटर दूर है। तो ज़्यादा जो टाइम है वो लगने वाला नहीं है, बट यार सीन यही है पूरा का पूरा अभी के लिए। तो मिशन तो जो है आज हमने अपना पूरा है कर ही दिया है, तो कोई दिक्कत जो है यहाँ पे नहीं आने वाली है। और हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो, फ्यूचर में ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो, या आप सजेशन देना चाहते हो, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी दबा लो, और लाइक करके कमेंट के अंदर बता दो किस तरीके की वीडियोस आप देखना चाहते हो। तो फटाफट जो है यहाँ से हम आगे चलते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हो, मतलब यार लोग इतने खड़े रहते हैं ना दिन में यहाँ पे। और अभी आपको दिखाऊंगा मैं वहाँ पे, तो सिगरेट पी रहे होंगे PDM पे लोग, वहाँ पे पीछे छुप के सिगरेट पीते रहते हैं भाई साहब, वहाँ पे अलग ही सीन चल रहा था। और ये इसका पर्स लेके भाग रहा है। शिट शिट शिट, कौन है कौन है कौन है कौन है भाई साहब? ये है, ये है, ये है मेरे ख्याल से। हाँ चलो भाई, मतलब भाई एक छोरे के चक्कर में मैंने 3 लोगों को मार दिया, मतलब 2 तो इनोसेंट ही थे। शिट यार, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई साहब। वैसे भी हम यहाँ के जो गैंगस्टर हैं, जो है लॉस पूरे के पूरे सेंटोस के, तो कोई जो है दिक्कत की बात नहीं है। अब जो है मैं फटाफट गाड़ी भगा भगा कर फटाफट जो है चलते हैं। और बस आ ही चुका है यहाँ से जो है, फटाफट मुझे मुड़ना है। और सामने की तरफ ही जो है यहाँ पे एम्यूनेशन वालों की दुकान है, और उसके आसपास ही जो है यहाँ पे PDM है, मतलब उसके आगे ही है बस। आसपास क्या, सामने के वो देखो, सामने की तरफ ही है, और इधर जो है पूरा का पूरा सर्विसिंग एरिया है। तो मैं एक काम करता हूँ, अपनी गाड़ी जो है यहाँ पे पार्क करता हूँ और जो है अंदर चलता हूँ। तो चलो गाइस फटाफट जो है चलते हैं अंदर। और एक बाइक भी आई हुई है, उसका भी मुझे ट्रायल जो है यहाँ पे लेना है। तो मैं जो है आगे ही चल रहा था, बट मुझे ये बाइक दिख गई जिसका हमें यहाँ पे ट्रायल आज लेना था। मैं काफ़ी टाइम से, आप लोग देख रहे हो, मैं बाइक जो है ढूंढ रहा हूँ, बट ये बाइक मुझे इतनी कुछ खास लग नहीं रही है। लेकिन चलो एक बार चला के देख लेते हैं क्या दिक्कत है। वैसे मैं एक बाइक लेने वाला हूँ, मैं हायाबूसा, निंजा H2R, KTM, इन सब में जो है यार थोड़ा सा जो है यहाँ पे कन्फ्यूज़ हूँ। बट ये बाइक भी मुझे ठीक ठाक लग रही है, लेकिन इतनी कुछ खास है नहीं ना, तो इसके मीटर यार अच्छे हैं ना ही इसका लुक अच्छा है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ज़्यादा डिस पे नहीं मारते, फालतू में जो अपना स्टैंडर्ड है वो ख़राब करेंगे। इसको फटाफट जो है मैं खड़ा करता हूँ। और ये देखो भाई साहब सिगरेट पी रहे हैं यहाँ पे खड़े हुए के। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको खड़ा करता हूँ भाई यहाँ पे, और इनको जो है अच्छे तरीके से मज़ा चखाता हूँ। और फिर जो है देखते हैं गाड़ी का क्या सीन है, डिलीवरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैं गन निकाल लेता हूँ, AK-47 अपनी। और ये ले बेटा, मतलब यहाँ पे तुम लोग पियोगे, और सामने भी देखना काफ़ी लोग झुंड बना के खड़े हुएंगे। ये देखो भाई साहब सीधा का सीधा ही खड़ा हुआ है। तो देखता हूँ मेरी गाड़ी, और भाई साहब ये खड़ी मेरी गाड़ी। और मेरे ख्याल से अभी इसमें जो काम है वो चला हुआ है, देख सकते हो पीछे जो मेरा नाम है वो लिखा हुआ है। और मेरे ख्याल से हाँ काम चल रहा है, बट ये वेल्ड क्यों कर रहा है भाई साहब नई कार में? मेरे ख्याल से ठोक वगैरह गई थी ना, मैंने इसको ठोक वगैरह दिया था, उस वजह से जो है यहाँ पे इसमें काम चला हुआ होगा। देख सकते हो भाई साहब गाड़ी तो इन लोगों ने ठीक कर दिया, क्योंकि मैंने आगे से भी थोड़ी तोड़ दी थी। ये आप लोगों ने नहीं देखी होगी, लेकिन मैंने तोड़ दी थी आगे से, बट ये लोगों ने इसको रिपेयर कर दिया है कुछ $2 लाख में। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वैसे तो सर्विस फ्री होती है, लेकिन इसकी बॉडी वगैरह रिपेयर है। तो मैं इससे बात करता हूँ और देखते हैं कब तक जो गाड़ी की जो डिलीवरी है वो हमें मिलेगी, और यहाँ से हम इसको लेकर के जा पाएंगे। तो इससे गाइज मैंने पूरी की पूरी बात कर ली है। सीन ये है कि गाड़ी जो है अभी ठीक नहीं हुई है, 2 दिन बाद मिलेगी, तो 2 दिन बाद लेने आएंगे। तो बस दोस्तों फिलहाल मेरी आज की इस वीडियो के अंदर इतना, वीडियो चलेगी तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहता हूँ। तो जय हिंद और वंदे मातरम।